आज का वीडियो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम पर बेस्ड है, आधारित है। इससे पहले आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए ये दो शेर मैं लिख रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसके एक्सप्लेनेशन पर अगर हम जाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुख्तसरन संक्षिप्त में, शॉर्ट में सिर्फ ये है कि मेहनत करने से, हौसला बुलंद होने से रास्ते निकलते हैं, मंजिल मिलती है। बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, किताब नहीं है, जानकारी नहीं है, ये सब पंख के अंदर शामिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बिहार में बीपीएससी के नाम से जाना जाता है। ये लगभग संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। ये भी तीन स्टेप में पूरा होता है। पहला प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस, मुख्य परीक्षा, तीसरा इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा। प्रीलिम ये एक स्टेज है जो आपको मेंस तक ले जाएगा, ये एक पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी का मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ता है, लेकिन ये सीढ़ी अगर आप क्रॉस नहीं करेंगे तो मेंस तक आप नहीं आएंगे। बीपीएससी प्रीलिम सिलेबस, बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो निम्न प्रकार है। द प्रीलिम्स इज द स्क्रीनिंग स्टेज बिफोर द बीपीएससी मेंस एग्जाम। जैसा कि मैंने अभी कहा, मुख्य परीक्षा से पहले ये एक कड़ी है, एक सीढ़ी है, इसके बगैर आप मुख्य परीक्षा में जा नहीं सकते, लेकिन इसका मार्क्स आपका मेंस में, मेरिट लिस्ट में, रैंकिंग में नहीं जुड़ेगा। द मार्क्स इन प्रीलिम्स विल नॉट बी टेकन, यानी जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, इनटू कंसिडरेशन फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी योग्यता के में और लिस्ट जो बनेगी रैंक की, उसमें आपका ये मार्क्स नहीं जुड़ेगा। The BPSC prelim exam syllabus and pattern क्या है? इस तरह से है। एग्जाम का नाम है कंबाइन कंपिटिटिव एग्जाम प्री, CCE लिखा जाता है। इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर प्री लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे वहां पूछते हैं क्या लिखें एग्जाम का नाम, तो एग्जाम का नाम है CCE प्री, कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जाम, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक। कंडक्टिंग बॉडी, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन कंडक्ट करता है, तो बीपीएससी करता है, बिहार लोक सेवा आयोग। नंबर ऑफ पेपर्स, प्रीलिम्स में आपको सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर होगा, जो 2 घंटे में आपको करना है। इस 150 में सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसका डिटेल नीचे है। क्या क्या पाठ्यक्रम होगा? जनरल साइंस, जिसमें 10th लेवल तक आपको सब कुछ पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, भौतिकी,
जिसको हिंदी में इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और इस तरह के तमाम चीजें आपको पढ़ना है। इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दैनिक घटना जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है। अब ये नहीं कि सिलेंडर फट गया, ये नहीं। आज दुनिया में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये देखना है आपको। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है, उसमें बिहार की भी इतिहास को आपको पढ़ना है। उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी आपको बिहार और हिंदुस्तान दोनों पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, उसी तरह से आपको दोनों चीज पढ़ना है। चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ वो आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में बिहार का क्या महत्व है उसको देखना है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग भी होगा और ग्राफिकल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग होगा, वर्ड पावर होगा, वोकैबुलरी होगा, सिंपल मैथमेटिक्स होगा, परसेंटेज वगैरह और ट्रायंगल स्क्वायर और जैसे ये सब के बारे में जानना। चेंजेस मेड 68 सीसीई में, ऑफिस की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन हुआ है, जो सूचना प्रदान किया गया है, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, वो ये है। The 68 सीसी ऑफिशियल ऑफ नोटिफिकेशंस हैज ब्रॉट अबाउट सर्टेन चेंजेस इन मार्किंग स्कीम, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। यानी ये जो था कॉमन था, अब इसमें 68 सीसी जो हुआ वहां से कुछ परिवर्तन लाया गया है, किसमें, मार्किंग स्कीम में, पाठ्यक्रम में, एग्जाम के पैटर्न में। तो पहला चेंजिंग है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑल 150 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, अब जो है नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिया गया इसमें। दूसरा है कैंडिडेट्स विल गेट वन, अब नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, कैंडिडेट्स विल गेट वन मार्क फॉर एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स एंड 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जैसे आपने अगर 5 क्वेश्चन सही किया तो आपको 5 नंबर मिला, उसमें से अगर 2 गलत हुआ तो 2 गलत होने के वजह से 0.25 यानी 0.5 हो गया, यानी आधा नंबर आपका 5 में से घट जाएगा, आपका 4.5 होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किया तो 5 मार्क्स आपको मिला, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में जब आप किए तो 2 क्वेश्चन आपका गलत हो गया या 4 क्वेश्चन गलत हो गया। तो 4 54 को जब मिलाते हैं तो 1 रुपया होता है, तो उसी तरीके से 1 नंबर आपका घट जाएगा, 5 में से -1 हो जाएगा, यानी 4 बचेगा आपका। यह है नेगेटिव मार्किंग। मार्किंग ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस विल आल्सो लीड टू द डिडक्शन ऑफ 1/4 और 0.25 मार्क्स। उसी चीज का ये फिर दोबारा आ गया है कि चाहे 1/4 आपका या 0.25 मार्क्स प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे घटेगा। तो अगर आपने 10 सही किया तो 10 नंबर मिला और उस बात 3 तो गलत कर दिया तो 0.75 उसमें से घट जाएगा। सिलेबस फॉर मेंस एग्जाम, अब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर गए, तो जब प्रीलिम क्वालिफाई कर गए तो आपको नोटिफाई होगा मेंस में बैठने के लिए। तो मेंस में बैठने के लिए क्या क्या करना है, जनरल हिंदी पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 30% टू क्वालिफाई दिस पेपर। पहला एक हिंदी पेपर होगा जिसमें आपको, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 30% नंबर लाना है। मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है
तो कम से कम आपको 30 नंबर लाना है, तभी आपका बाकी पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शनल पेपर विल बी ऑफ 300 मार्क्स। एक ऑप्शनल पेपर आपको रखना है जो 300 नंबर का होगा, और वो 300 नंबर में कौन कौन सा पेपर रखना है, कहां से लेना है, नीचे लिस्ट लगाई गई है इस वीडियो में। द मार्किंग स्कीम फॉर बीपीएससी मेन एग्जाम इज हिंदी जनरल, जो आपने 100 नंबर बताया, मैंने अभी कहा ये 100 नंबर का होगा, इसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना है। जनरल स्टडीज 1 जिसमें आपको 300 नंबर लाना है, जनरल स्टडीज 2 जिसमें आपको 300 नंबर का है, ऑप्शनल पेपर 3 आपको 300 नंबर का है, तो 3 3 3 900 एग्जाम होगा 1000 का, लेकिन मेरिट बनेगी ये 900 पर प्लस साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पर, यानी ये जनरल हिंदी का नंबर आपका इसमें नहीं जुड़ेगा। जनरल हिंदी का नंबर आपका सिर्फ यही है कि आप इतना किए हैं कि आपका आगे का पेपर चेक किया जाए। मींस 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, 1 क्वालिफाइंग प्लस 3 मेरिट रैंकिंग, वही है, ये क्वालिफाइंग है, ये मेरिट में जुड़ेगा, ये मेरिट में जुड़ेगा, ये मेरिट में जुड़ेगा, यानी ये 900 नंबर मेरिट में जुड़ेगा, तो 900 प्लस 100 1000, उसी को जो मैंने अभी बताया, फॉर 1000 मार्क्स, टोटल मार्क्स इन द एग्जाम विल बी ऑफ 1000 मार्क्स, वेयर 100 मार्क्स विल बी ऑफ क्वालिफाइंग एंड ओनली 900 विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट, यानी 1000 में से 100 तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, यानी वो 900, और 120 नंबर आपका इंटरव्यू का है, तो 900 प्लस 100 1000, 1020 नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। नोट, अब ये थोड़ी सी परिवर्तन की गई है इसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे इसमें बहुत अंदर तक नहीं जाना है कि पता चला कि आप ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा, और ये या बायोलॉजी में भी या केमिस्ट्री में भी, मतलब अप्लाइड साइंस को आपको ज्यादा देखना है और जो डेली यूज में है उसी तरह से है। दूसरा है हिस्ट्री नीड्स टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, यानी हिस्ट्री ये नहीं कि अब खाली बाबर को ही रटे जा रहे हैं, गुप्ता पीरियड को ही रटे जा रहे हैं, मतलब उससे हमारा अर्थव्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल एस्पेक्ट में क्या असर पड़ता है वो भी देखना है, वही देखना है ज्यादा। इन बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी टू प्रिपेयर द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ बिहार एज वेल, हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऑफ बिहार पढ़ना है। ज्योग्राफी इंक्लूड्स सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन एग्रीकल्चर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी सामाजिक आर्थिक बिहार की भूगोल को पढ़ना है ये सब के एस्पेक्ट में, उसी तरह से भारत का पढ़ना है और भारत की कृषि व्यवस्था जो है उसको देखना है, भारत में जो जितनी भी रिसोर्सेस हैं और मतलब उसको देखना है, नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक। इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब ये सब इंक्लूड किया गया है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो आपको यूनियन का भी देखना है, बिहार का स्पेशल देखना है, पंचायती राज ये सब के लिए है, कम्युनिटी डेवलपमेंट सबसे रूरल डेवलपमेंट में आता है देहाती में, प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार दोनों जगह जो प्लानिंग होता है ये आपको देखना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट टू फोकस ऑन द रिसर्जेंस इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जो रिसर्जेंस हुआ, जो अपराइजिंग हुआ, जो रिवॉल्ट हुआ, जो घटनाएं हुई उस सबको पढ़ना है, द नेचर एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस, मतलब किस तरह से मतलब राष्ट्रीयता जो है हमारे अंदर आई और हमको आजादी मिली, इसके बारे में पढ़ना है, द रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, बिहार का क्या महत्व है इसमें, इसको पढ़ना है। बीपीएससी के मेंस सिलेबस, ये सिलेबस तो बताया और अभी कुछ नीचे भी है, और कैंडिडेट्स हु क्लियर द प्रीलिम्स
मेंस के लिए वो कितना होता है, तो वही कह रहे हैं कैसे होता है कि जितना प्रीलिम में हुआ, ठीक, प्रीलिम क्वालिफाई किया, कितने बच्चे को मेंस में बुलाया जाएगा उसका ये है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज होती है उसके 10 गुना को बुलाया जाता है। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो 1000 को बुलाएगा, 1000 वैकेंसी है तो 10000 को बुलाएगा। ये है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द मेंस। ये एक रफली फिगर है जिसको आपको समझना है। और द बीपीएससी मेंस एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न, और ये अगर आप यहां से हटा दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको भी वही है, कंबाइंड सीसीई यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस, यहां लिखना है, वहां प्री लिखे थे, यहां मेंस लिखेंगे। कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी ही रहेगा, पेपर 4 होगा, 1 क्वालिफाइंग होगा, 3 जो है आपका मेरिट में जाएगा। क्वालिफाइंग में जनरल हिंदी 100 नंबर का होगा, और 100 हिंदी 100 नंबर का होगा क्वालिफाइंग में। ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाना है। फिर उसके बाद जनरल स्टडीज 1 है, जनरल स्टडीज 2 है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब ऑप्शनल में पूरे 34 लिस्ट में 34 सब्जेक्ट को दिया गया है जिसमें से आपको एक चुनना है, और वो 300 नंबर का होगा, और वो सिलेबस उसका क्या होगा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स कोर्स में ऑनर्स लेवल में है, वही सिलेबस है। मेरी बात समझ में आ गई? बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को इंडिकेट किया गया है, पटना यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स कोर्स में ऑनर्स लेवल पर जो भी पाठ्यक्रम चलता है उसी पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। द चॉइस आर गिवेन बिलो, द सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन बी व्यूड इन, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट का हम यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का देते तो बहुत वीडियो लंबा हो जाता, इसीलिए वो बाद में जरूरत पड़ेगी। तो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल से वैकल्पिक विषय, इसमें है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये एक लंबी लिस्ट है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ नाम है तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विस्तार से बताने की इसको जरूरत नहीं है। और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है जिसमें से 300 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये है मतलब हर फील्ड से है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम बॉटनी से हैं तो बॉटनी ही लें, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से यूपीएससी में है वैसे यहाँ पर है, वहाँ 48 सब्जेक्ट था, यहाँ 34 सब्जेक्ट है, और ये सारे लैंग्वेज हैं। वहाँ 2 ऑप्शनल था, यहाँ 1 ऑप्शनल है, तो ये थोड़ा सा सहूलत है। और ये है केमिस्ट्री है, और पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, और जियोलॉजी है, संस्कृत भी है, और जूलॉजी प्राणी शास्त्र है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बंगला है, एंड हिस्ट्री है, पाली है, और एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है, और कॉमर्स अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अरबिक है, और हिंदी लैंग्वेज है, एग्रीकल्चर कृषि है, उर्दू लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, सिविल है, और ये है। और ये थोड़ा सा मेंस केस के लिए हम डिटेल किए हैं। जनरल हिंदी में आपको जनरल हिंदी में क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ग्रामर व्याकरण पूछेगा, सिंटैक्स वाक्य विन्यास पूछेगा, समराइजेशन संक्षेपण पूछेगा। फिर जीएस पेपर 1 में आपको इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और बिहार की संस्कृति, और ये आपको जीएस पेपर 1 में आएगा। करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल में दोनों आएगा। इवेंट्स में
और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सांख्यिकिक वो है, और जीएस पेपर टू में इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंडियन डेवलपमेंट है, और ऐसे में मॉरल एंड फिलोसफिकल ऐसे है, और हाइपोथेटिकल ऐसे है, और रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ऐसे रिलेटेड ऐसे, और टाइम टू टाइम ये है, इसमें बीच बीच में चेंजिंग भी होता रहता है। और द बीपीएससी सिलेबस फॉर जीएस वन विल इंक्लूड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार, आधुनिक भारतीय इतिहास 19th सेंचुरी, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार ये देखना है, रोल ऑफ बिहार इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, संथाल रिवॉल्ट 1857, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, मौर्यन एंड पाल आर्ट, पटना कलाम पेंटिंग्स, एनालिसिस ऑफ ग्राफिकल, ये आपको पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आगे बढ़ने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू इन इन अपकीपिंग अपराइजिंग एंड मेकिंग मार्वेलस योर फ्यूचर। एंड इफ दिस वीडियो इज लाइक्ड बाय यू, तो यू आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी भी हिम्मत को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। सेव कर दे।